नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ़ फोरकास्ट तो हमारे पास तीन टाइप्स की क्लासिफिकेशन है पहली हम पढ़ने जा रहे हैं जजमेंटल बाकी दो का हम आगे डिस्कस करते हैं ठीक है तो जजमेंटल टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन है ऑफ फोरकास्ट ये क्वालिटेटिव टाइप ऑफ फोरकास्ट है ठीक है क्वालिटेटिव आपको अगर याद हो हमने कहा था कि इसमें नंबर्स नहीं होते आपके पास हिस्टोरिकल ठीक है डाटा नहीं होता कि गुजरे हुए कल में क्या नंबर्स थे आपके पास तो वो जब नंबर्स ही नहीं है आपके पास तो फिर आप कुछ एक्सपीरियंस लोगों को कुछ एक्सपर्ट्स को या कुछ कस्टमर्स की राय को ज़्यादा कंसिडर करते हैं आगे आने वाले कल के प्रिडिक्शन के लिए ठीक है तो आपके पास राय आती है ठीक है आपके पास सब्जेक्टिव लोग की फीलिंग्स कह लें लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं ये लोग जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अगेन उन लोगों के लिए जो कि एक्सपीरियंस लोग होते हैं ठीक है जिन्होंने उस काम में अपने बाल सफ़ेद कर लिए होते हैं वो आपको एक अच्छी राय देते हैं क्योंकि वह कुछ फैसले कर चुके होते हैं या कुछ फैसलों के नतज़ज वो देख चुके होते हैं तो वो उससे आपको आगाह करते हैं और आप उस फैसले की मत में आके आप आने वाले कल की प्रडक्शन जो है वो करते हैं ठीक है तो अगेन जजमेंटल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके पास डाटा नहीं है ठीक है या अगर है तो वो इनकम्प्लीट है या बिल्कुल ही नहीं है ठीक है तो जजमेंटल टाइप में आपके पास फिर ये चार टाइप की आपके पास मेथड्स हैं ठीक है चार ही मेथड्स हैं ओवरऑल फोरकास्ट करने के तो ये जेहन में रखिएगा क्योंकि ये क्वालिटेटिव टाइप है तो इसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं है तो ये जितने भी टाइप्स आप देख रहे होंगे आगे उसमें नंबर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा या तो कहीं पर कोई राय दे रहा होगा या अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर रहा होगा तो पहले टाइप हमारे पास है एग्जेक्टिव ओपिनियंस की एग्जैक्टिव कौन लोग होते हैं किसी कंपनी में भी जो सीनियर मैनेजमेंट होती है ना वो एग्जैक्टिव कहलाए जाते हैं ठीक है तो अगर आपने कोई फोरकास्ट करनी है कोई प्रोडक्शन करनी है तो इस टाइप ऑफ मैथड में आप करते ही हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो सीनियर लोग हैं उनको बुलाते हैं आप उनको बैठाते हैं एक जगह पर और उनसे कहते हैं कि हमारा ये मकसद है हम ये करना चाह रहे हैं फ़र्श करें मकसद ये है कि जी हम चाह रहे हैं कि हम अपनी uh, एक और फैक्ट्री uh, जो है खोलना चाह रहे हैं किसी और शहर में तो इस पर आप बताएं अपनी राय दें तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफरेंट शायद कोई मार्केटिंग का हो कोई सेल्स का हो कोई कस्टमर केयर का हो कोई एच का हो कोई एडमिन का हो ये सारे मिलकर एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने एक अच्छा टाइम गुजारा होता है डिफरेंट कंपनीज में तो वो अपनी राय से आपको आगाह करते हैं ठीक है जो उनका एक्सपीरियंस होता है उससे आपको आगाह करते हैं वो राय लेकर आप फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आगे हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ठीक है तो ये मेथड जो है इसमें इस तरीके से एग्जेक्टिवस uh, को यानी सी एनवेमेंट को यूज़ करते हुए आप इनपुट्स लेके फैसला हज कर रहे होते हैं आने वाले कल के लिए नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स फोर्स का मेथड। सेल्स फोर्स मतलब वो लोग जो कि डायरेक्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो लोग कस्टमर्स को कुछ चीज़ें बेचते हैं ठीक है या किसी न किसी तरीके से उनका डायरेक्ट कस्टमर के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन रहता है तो आप करते ही हैं कि अपनी कंपनी के सेल्स फोर्स के तमाम लोगों को बुला के या कुछ सैंपल लोगों को बुला के जो रैंडम सैंपल होता है उसको लेके आप आप एक, -एक से राय लेते हैं कि कस्टमर क्या सोच रहा है ठीक है और उनकी क्या राय है क्योंकि उनकी डायरेक्ट बात हो रही है कस्टमर के साथ तो वो फिर एक एक करके आपको आगाह करते हैं कि कस्टमर ये सोच रहा है वो किस बारे में सोच रहा है पहले आप उसको बताते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं आप बताएं कि इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं जो उसकी राय होती है वो कुछ अपनी भी होती है प्लस वो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए जो उसके कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हुई होती है उसके मुताबिक आपको बता रहा होता है कि हाँ जी हमें ये करना चाहिए तो फ़र्ज़ करें अगर आपने पचास लोग सेल्स फोर्स के सिलेक्ट किए हुए हैं वो पचास के पचास आपको राय देते हैं वो तमाम राय को कंपाइल करके उसके बनाई जाती है और मैनेजमेंट को पेश की जाती है और उसके मुताबिक फिर आने वाले कल के लिए आप फोरकास्ट करते हैं कि हमें यह करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है कंज्यूमर सर्विस कंज्यूमर का वर्ड जहाँ पर भी आएगा तो आप बात करें कस्टमर्स के वो लोग जो कि आपकी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस ये आगे इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो फ़र्ज करें अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी है तो बजाय से कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप चाहते हैं कि पहले आपको पता लगे कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस में आगे देने जा रहा हूँ वो फोरकास्ट कर ली जाए कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी तो उसके लिए आप कुछ सवाल तैयार करते हैं और फिर वो कस्टमर को आप भेजते हैं कस्टमर उस पर अपनी राय देता है कि इस तरह की प्रोडक्ट या सर्विस उसको पसंद आएगी भी या नहीं आएगी या वो अपनी ओवरऑल आपको राय देता है सजेशंस देता है तो उसके मुताबिक फिर आप आने वाले जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड या उसकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स की आप प्रिडिक्शन कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर कस्टमर्स आपको राय दे रहे होते हैं सर्वे के ज़रिए लास्ट जो मेथड है मेतर है उसको डेल्फी मेथड कहते हैं डेल्फी मेथड में ये होता है कि आप एक पैनल ऑफ़ एक्सपर्ट्स ठीक है ये पैनल मतलब ये कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स कुछ एक्सपर्ट्स लोग जो है आप उनको इकट्ठा करते हैं जगह पर ठीक है उनको मकसद बताते हैं कि फोकास्ट आपने करना है और उसका मकसद ये है उस मकसद के लिए आप उनको कुछ सवाल देते हैं ठीक है और वो सवालत के अगेंस्ट उन तमाम लोगों से अगर वो चार हैं पाँच हैं छः हैं जितने भी हैं उनको जब सवाल दिए जाते हैं तो वो सवाल के अगेंस्ट अपने कुछ आंसर्स लिख कर देते हैं आपको वो जो आंसर्स आपको लिख कर देते हैं वो क्वेश्चनर कहलाता है उसके अगेंस्ट फिर वो फैसिलिटेटर जिसने वो सवाल दिए होते हैं उनसे जब जवाब वो लेता है तो उसकी एक समरी बनाता है ठीक है वो समरी लेकर वो उस पैनल को जो कि एक्सपर्ट्स का है उससे आगाह करता है कि जी आप लोगों ने यह राय दी है ठीक है उसमें नाम नहीं बताया जाता कि इस बंदे ने ये राय दी थी इस बंदे ने ये राय दी है लेकिन एक राय के बारे में आगाह कर दिया जाता है कि ये राय दी गई है लेकिन अगर नतीजा अखज़ नहीं हो रहा होता कि वो फोरकास्ट के अगेंस्ट नतीजा के अखज़ करना चाह रहे हैं तो फिर एक और राउंड भी करते हैं वो क्वेश्चन का ठीक है उसी तरह के सवाल दोबारा पूछे जाते हैं उस पैनल से और ये राउंड्स तब तक चलते हैं वो दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं जब तक ये पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो किसी ओवरऑल कॉमन रिज़ल्ट के अगेंस्ट आपको रिज़ल्ट ना दे रहे हो ठीक है कि मेजॉरिटी जो है वो किसी एक ऐसे फैसले की तरफ ना बढ़ रही हो जो कि आपको फोरकास्टिंग में हेल्प कर सकता है तो ये क्वेश्चनर या सीरीज़ ऑफ़ राउंड्स है वो चलते रहते हैं ठीक है तो ये हमारे पास जजमेंटल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है क्वालिटेटिव फोरकास्ट की नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी है नेक्स्ट दो क्लासिफिकेशन हमारे पास है टाइम सीरीज़ और एसोसिएटिव या रिलेशनल मॉडल्स की ये दोनों क्वांटिटेटिव टाइप की हैं ठीक है इसका मतलब ये है कि इनमें हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा पुराना डाटा मौजूद है और उस डाटा को लेकर हम आने वाले कल की प्रोडक्शन कर रहे होंगे ठीक है तो टाइम सीरीज़ में भी हमारे पास चार मेथड्स हैं ठीक है जिस तरह जजमेंटल में चार मेथड्स थे लेकिन डाटा नहीं था उसमें हम कुछ राय ले रहे थे यहाँ पर अब मैथ्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर्स हैं ठीक है तो इन मॉडल्स को इन मेथड्स को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं मैं एक्सेल में आपको बेहतर तरीके से उसको डिस्प्ले करा देता हूँ तो ये एक्सेल की फ़ाइल है नाइफ़ जो मेथड है उसमें ये होता है कि आप एक पीरियड सेलेक्ट करते हैं वो कोई एक माह हो सकता है कोई तीन माह हो सकते हैं एनी क्वार्टर हो सकता है या छः माह हो सकते हैं साल हो सकता है फ़र्ज़ करें आ, कोई एक पीरियड हम ले, ले लेते हैं ये सेल्स है ठीक है कि पिछले साल हमारे पास हिस्ट्री डाटा के मुताबिक हज़ार सेल्स हुई थी तो नाइफ़ जो मेथड उसमें आप ये करते हैं कि आने वाले साल के लिए अगर आप यानी आने वाली पीरियड के अगर हमने देखना है कि कितनी सेल्स होंगी तो आप उसी नंबर को उठा के अगले साल के लिए भी लिख लेते हो कि फ्यूचर में भी इतनी सेल्स होंगी ठीक है या अगर आपने पिछले आ, माह जो है वो एक लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया तब अगले माह के लिए यानी अगले पीरियड के लिए देखना है तो कितना मुनाफा होगा तो उसी नंबर को दोबारा लिख लिया जाता है कि अगले माह भी हम एंटिसिपेट करें इतना ही मुनाफ़ा होगा या हमारा इतना खर्चा हुआ था पिछले क्वार्टर में तो अगले क्वार्टर में कितना खर्चा होगा उतना ही खर्चा होगा जी ठीक है तो नाइफ बड़ा सिंपल मेथड है ठीक है पुरानी वैल्यू को लेके आने वाली पीरियड में वही वैल्यू लिख ली जाती है मूविंग एवरेज फॉर सेल्स ठीक है इसमें आपके पास ये होता है कि डिफरेंट जो लास्ट पीरियड्स हैं ठीक है, है? फ़र्ज़ करें अब ये मंथ्स भी हो सकते हैं क्वार्टर भी हो सकता है सिक्स मंथ्स भी हो सकते हैं और ईयर भी हो सकता है यहाँ पर मैंने क्वार्टर की एग्जांपल ली है कि आपके पास साल के पहले तीन माह उसके बाद जो क्वार्टर टू था यानी आपके पास अप्रैल में जून हो गया फिर जुलाई अगस्त सितंबर हो गया और लास्ट में जो हमारे पास लास्ट तीन माह साल के उसके अगर आपने फोरकास्ट निकालनी है कि कितनी सेल्स होंगी ये वैल्यू आपके पास पहले फ़र्ज करें नहीं थी और आपने क्यू फोर की निकालनी है वैल्यू उसकी आखिरी तीन माह में साल के हमारी कितनी सेल्स हो रही होंगी तो आप क्या करते हैं कि जो पिछले तीन पीरियड्स हैं यानी पिछले जो हमारे पास तीन क्वार्टर्स हैं उनकी आपने एवरेज ले लेनी है ठीक है तो एक्सेल में तो हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है ठीक है एवरेज का आप वो लेते हैं और आपके पास ये प्रडिक्शन आ जाती है कि जी Q4 में भी हमारे पास जो सेल्स हैं वो 1000 हज़ार हो रही है क्योंकि अब ये देखिए एबसोलूट वही नंबर नहीं है जो हमारे पास नाइव में यूज़ हो रहा था ठीक है यहाँ पर इन सब की एक्चुअल वेट बराबर लेके तो एक एवरेज निकाल ले गई सबको तीनों को ऐड किया गया इस फार्मूले ने और तीन वैल्यू सी तो इसको फिर ऐड करने के बाद तीन पर डिवाइड कर लिया तो ये वैल्यू आ गई तो ये मूविंग एवरेज जो है कहलाया जाता है मेथड ठीक है तो तीसरा हमारे पास है वेटेड मूविंग एवरेज का ठीक है अब ये सेल्स ही की एग्जांपल लेते हैं फरस कर हमारे पास पीरियड हैं डिफरेंट मंथ्स के ठीक है हमारे पास ये ओवरऑल फोर मंथ्स हैं फेब मार्च अप्रैल मई का इसमें ये आपके पास पुराने डाटा के मुताबिक आपकी कंपनी की ये सेल्स हैं आपको कहा गया है कि जून का आप निकालेंगे कितनी सेल्स होंगी ये मैंने पहले से निकाल कर रखा हुआ अच्छा इसमें होता ये है कि इसमें आप वेट्स असाइन करते हैं ठीक है ये हंड्रेड परसेंट वेट होते हैं मतलब आप कि ये जो वैल्यूज़ हैं सारी मिलाकर वन की वैल्यू के बराबर इसका सामान आना चाहिए ठीक है वेट आप यानी जो सबसे रीसेंट जो आ, बहुत करीब का लेटेस्ट जो डाटा होता है आपका जून का आपने निकालना है तो उससे पहले महीना कौन सा था मे का था ठीक है उसकी सेल्स को आपने ज़्यादा वेटेज दे दी ठीक है उसको पॉइंट फोर की वैल्यू दे दी ठीक है उससे पिछला महीना था उसको कम थोड़ी वेटेज दे दी उससे पिछले महीने को और कम और उससे पिछले महीने को और कम ठीक है तो किया क्या किया कि हर वेट को मल्टीप्लाई किया उस मंथ की सेल्स से ठीक है तो आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ आ गई ठीक है ये जो वैल्यूज़ आई इनको फिर आखिर में आपने सम कर लिया तो आपके पास एक वैल्यू आ गई कि जून में हम इस वेटेड मूविंग एवरेज के ज़रिए इतनी सेल्स कर रहे होंगे ठीक है तो इसमें उसी नंबर को कॉपी किया गया अगले पीरियड के लिए इसमें उन तमाम वैल्यूज़ को जो कि पिछले पीरियड्स की थी उनकी इक्वल वेट के साथ जो है वो एवरेज ले ली गई और वेटेड एवरेज मूविंग uh, एवरेज में ये होता है कि आप वेट्स असाइन करते हैं और रिसेंट मोस्ट मंथ को या पीरियड को ज़्यादा वेट असाइन करते हैं और जितना वो पीछे जाता जाता है उसको कम वेट असाइन करते हैं और उसकी फिर एडिशन कर लेते हैं ठीक है और हमारे पास इसके बाद जो टॉपिक था उसमें अगर आपको याद हो तो वो था एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का इसमें भी उसी तरीके से आ, लास्ट जो पीरियड्स हैं उसके अगेंस्ट वेट्स साइन करके उनको ऐड किया जा रहा होता है लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा होता है क्योंकि ये जो तीन है हमारे पास टॉपिक्स इसको हम अगला जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा डिटेल के साथ विद एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करूँगे तो मैं उसकी डिटेल्स में भी नहीं जा रहा ठीक है तो लास्ट हमारे पास जो ओवरऑल क्लासीफिकेशन है दैट इज़ एस, एसोसिएटिव या रिलेशनल मॉडल्स की ये भी क्वांटिटेटिव टाइप की है इसमें होता ही है कि फ़र्ज करें आपने फ़ोरकास्ट ये करनी है कि हमारी कंपनी जो है वो छतरियाँ बनाती है ठीक है तो अब अगर मैं किसी ऐसे मुल्क में अपनी कंपनी खोलना चाह रहा हूँ जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो मेरे लिए ये फोरकास्ट करना आसान होगा कि वहाँ पर छत च्छत, छतरियाँ जो है वो ज़्यादा बिकेंगी क्योंकि एक रिलेशनशिप है छतरीों का आ, बारिश के साथ ठीक है तो ये यहाँ पर रिलेशनशिप देख के तो आगे फिर प्रडिक्शन या फोरकास्ट की जा रही होती है ठीक हो गया तो इस तरीके से आप ये तीनों क्लासिफिकेशंस को जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले कल की फोरकास्ट के लिए तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था उम्मीद आपको पसंद आया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ये शेयर करें जो कि इस कोर्स को स्टडी कर रहे हैं प्लस अपने कमेंट्स लाजमन दीजिए फीडबैक लाजमन दीजिए तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है Thank you for watching this video.